हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, मैं आ गया हूं नेवी एमआर फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चंस करते हैं 30 मिनट्स में। ये प्रैक्टिस सेट वही है और उसकी ही सीरीज़ का 7वां पार्ट है, 7वां फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम करते हैं। आज के लिए मैंने रखा है आप लोगों के लिए एम 50 में 35 करने का। आई होप कि मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोग इतना ज़रूर करेंगे। और हाँ, आप लोगों को अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि यही एक वीडियो है जिसका मैं टोटल कमेंट पढ़ता हूँ और सबको देखता हूँ कि कौन कहाँ से है और कितने नंबर लाए हैं इस टेस्ट में। तो आप समझ लो कि ये एग्ज़ाम की तरह है आपका टेस्ट, ठीक है? लिखा भी है मैंने, समझ लो कि आज ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसी तरीके से है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपना स्कोर, और स्कोर कैसे करना है, एक नंबर सही आंसर के लिए और 0.25 काट लेना है मान लो अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का तो। और ऑनेस्टली कमेंट करना है कि आप किस राज्य से हो, किस स्टेट से हो और आपका स्कोर कितना है। तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईडी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो गाइज, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से 6 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसमें और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है उस प्रैक्टिस सेट्स में। तो जाके जरूर देखिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन? भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। गाइज, अगर हम सार्क के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 8, जिसमें कि सबसे नया जो सदस्य है वो अफगानिस्तान है, जो कि 2008 में शामिल हुआ था सार्क में। तो याद रखिएगा, 8 सदस्य हैं, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और आलम शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड लोकेटेड? पेरिस, वियना, वाशिंगटन DC और जिनेवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाशिंगटन DC में मुख्यालय है किसका? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का, यानी कि IMF, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका शॉर्ट जो फुल फॉर्म भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में, अगर आपको याद हो तो, और उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आप इससे याद रखना, रिलेटेड है। वाशिंगटन DC मुख्यालय है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में आ जाता है IMF, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस, और अब ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस 1/3 ऑफ ए मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो जो राज्यसभा होती है ये एक अस्थाई सदन है और लोकसभा अस्थाई सदन है, ठीक है? तो राज्यसभा में हमेशा, मतलब हर 2 साल पे सदस्य 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइड किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड? V.S. नॉयपॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण एंड चार्ल्स डिकेंस। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि R.K. नारायण। R.K. नारायण ने ये बुक गाइड लिखी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट है, सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2010? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में। सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें कि एक बड़ा घोटाला हुआ था
राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2010 इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम सेल क्या है? व्हाट इज स्नो सेल? बर्फ का एक विशाल खंड, ए ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस, हिम नदी, ग्लेशियर का एक बर्फ खंड, ईच आइस ब्लॉक ऑफ द ग्लेशियर, अत्यधिक ठंडा मौसम, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, यानी बर्फ का एक विशाल खंड है ये हिमसेल, उसे ही हिमसेल बोलते हैं। बहुत सारे खंड ऐसे होते हैं और बहुत सारे हिमसेल होते हैं, ठीक है। ए ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस इज स्नो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए? वेयर डिड आर्य कम फ्रॉम इन इंडिया? अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, ईस्ट यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड मध्य एशिया, यानी कि मिड एशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिड एशिया से आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जवाहर ट्यूनल लोकेटेड? असम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, दो भागों में बांटा जा चुका है, जिसका एक भाग है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो ये अब पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन जवाहर सुरंग वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? विद हुम इज द पुलित्जर प्राइज एसोसिएटेड? जर्नलिज्म, शांति यानी पीस, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है पुलित्जर पुरस्कार। और एक और चीज बता देता हूँ कि ये यूएसए का है, ठीक है, और ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड? नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। ऑन कृष्णा रिवर इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक स्वामी सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल? स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान एंड यूक्रेन। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। चाइना जो है एक अस्थाई, या फिर स्वामी जो भी बोलिए, ये अस्थाई सदस्य है यूनाइटेड नेशंस का। आप लोगों को पता होगा 5 ही अस्थाई सदस्य हैं और 10 को चुना जाता है, ठीक है, वोटिंग के आधार पे। तो ये 5 जो सदस्य हैं उनमें चाइना भी शामिल है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, और जो आपका यूके है, और साथ ही साथ फ्रांस है। तो ये 5 सदस्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? क्यात, रेंड, डॉलर, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? द दांडी मार्च वॉज डन टू ब्रेक विच लॉ? शराब यानी वाइन, नमक, सॉल्ट, अनाज, ग्रेन्स एंड कपड़े यानी कि क्लोथ्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नमक। द दांडी मार्च वॉज डन टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, और ये कल भी मैंने पढ़ाया था, दांडी मार्च इसी कानून को तोड़ने के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पैरा बैगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स पैरा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन? ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और लैथिसोस्फेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ओजोनोस्फेयर। ओजोन स्फेयर जो है, ओजोन परत, यही सूर्य से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यानी पैरा वैगनी किरणें, जिनसे कि कैंसर होने का खतरा होता है, उन्हें रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वोल्गा, डेन्यूब, नील और सीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीन। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सीन रिवर। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है।
नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एरिया अप टू 5 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड? डोल्ड्रम, उष्णकटिबंध यानी हॉट बॉन्ड, मॉनसून रेंज एंड व्यापारिक हवा क्षेत्र कमर्शियल एयर स्पेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डोल्ड्रम बोलते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? 1974, 1950, 1956 एंड 1961। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1956 में भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर जो है उसको पुनर्गठित किया गया था। इन 1956 इंडियन स्टेट्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया है? हु हैज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ विनिंग द यंगेस्ट फीमेल विंबलडन सिंगल टाइटिल? मार्टिना हिंगिस, जाना नोतना, स्टेपी ग्राफ एंड मार्टिना नौरातीलोवा। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मार्टिना हिंगिस हैज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ विनिंग द यंगेस्ट फीमेल विंबलडन सिंगल्स टाइटल। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? हाउ लॉन्ग इज द जीरो आवर इन द लोकसभा? 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 घंटे का शून्यकाल होता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? सीपीयू, सीडी, फ्लॉपी डिस्क एंड मेगाबाइट। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। अब इसका फुल फॉर्म मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, जरूर कमेंट करके बताना कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? बृहस्पति, जुपिटर, बुध मरकरी, मंगल मार्स और शनि सैटर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? खिलाड़ी, प्लेयर, कोचिंग ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के प्रशिक्षण, फिल्म और ब्रेवरी यानी वीरता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कोचेज होते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से जो कराते हैं कोचिंग, उनमें से ही लोगों को कोचिंग के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार किसने जीती है? हु हैज वन द यूएस ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन 5 टाइम्स इन ए रो? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, जिमी कॉनर्स और जॉन मैकेनेरो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोजर फेडर हैज वन द यूएस ओपन टेनिस कंपटीशन 5 टाइम्स इन ए रो। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार रोजर फेडरर ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी? विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर भटनागर एंड डॉक्टर सी वी रमन। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी। भारतीय अणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। चलिए, अब ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस कंप्लीट, चलते हैं हम जनरल साइंस तथा मैथमेटिक्स की ओर। तो गाइज, अब यहाँ से हमारा साइंस एंड मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इनर्टिया? वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, द्रव्यमान, मैस और भार यानी कि लोड। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है, मैस इज द मेजर ऑफ इनर्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रॉकेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम? संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संहति संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन और कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम प्रोटेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑप्शंस आपके सामने है सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए और क्रमशः कम हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसा कम हो जाए, यानी यूजुअली डिक्रीजेज। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक से यानी कि सहसा कम हो जाए। स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजुअली डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन द फॉलोइंग फ्लड, स्टील, वायु, निर्वात, इन वैकम एंड जल में इन वाटर। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि स्टील में। साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन द स्टील, जो ध्वनि है वो सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। व्हाट डज द रे ऑफ लाइट हैव टू गो थ्रू फॉर कंप्लीट इंटरनल चेंज। कांच से जल, वाटर फ्रॉम ग्लास, जल से कांच, वाटर टू ग्लास, वायु से जल, वाटर फ्रॉम एयर, और वायु से कांच यानी एयर टू ग्लास। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांच से जल। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क। केवल प्रतिवर्ती धारा से वनली बाय दी करेंट, केवल दिष्ट धारा से वनली बाय दी डायरेक्ट करेंट, एसी और डीसी दोनों से, बोथ फ्रॉम एसी एंड डीसी, और किसी भी सिग्नल से, यानी कि फ्रॉम एनी सिग्नल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल प्रतिवर्ती धारा से ट्रांसफार्मर काम करता है। द ट्रांसफार्मर वर्क ओनली बाय द करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 32 नंबर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। इफ ए मैग्नेट हैज द थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड। अतिरिक्त ध्रुव, एक्स्ट्रा पोल, यादृच्छ ध्रुव, रैंडम पोल, दोषपूर्ण ध्रुव, फॉल्टी पोल और परिणामी ध्रुव, यानी कि रिजल्टिंग पोल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परिणामी ध्रुव। अगर किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे परिणामी ध्रुव बोलते हैं। इफ ए मैग्नेट हैज द थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड रिजल्टिंग पोल। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस है, लाइट गैस देन द एयर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया एंड प्रोपीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अमोनिया जो होती है वो वायु से भी हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड नेचुरल गैस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। गैसियस मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल जेनरेट्स मिनिमल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। डीजल, कोयला यानी कोल, हाइड्रोजन एंड केरोसिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का ईंधन होता है वो बहुत ही कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, न्यूमोकोकाई, क्रोमोजोम, एक्सीटोल और उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि न्यूमोकोकाई उत्तरदायी है निमोनिया के लिए, यानी कारण है। नेक्स्ट है, कार्बाइड क्या है। व्हाट इज कार्बाइड। पोटास, यूरिया, फास्फेट एंड कैल्शियम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिया होता है कार्बाइड। कार्बाइड के बारे में आपने सुना होगा, फलों को जल्दी से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कार्बाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिंड। फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड, पोलबोल्ट एसिड, टार्टरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। दो बार हो गया है, कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ये इमली में होता है। टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिंड। नेक्स्ट है, 39 नंबर, मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है। वाई इज पेन कॉज्ड बाई बीज बाइट्स। फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, पोलबोल्ट एसिड एंड ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि
फॉर्मिक एसिड के कारण मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द होता है. दी पेन कॉज्ड बाई बीज बाइट इज फॉर्मिक एसिड, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है. तो ये हमारा साइंस कंप्लीट हो गया. अब यहां से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 40 नंबर, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? विच नंबर इज 90 to 40% लेस? 36, 54, 50 and 60. देखिए गाइस, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. हमें इन क्वेश्चंस को समझना होता है, क्योंकि बस जो इसका लैंग्वेज समझ लेगा वो आसानी से बना लेगा इस क्वेश्चन को. जो 90 से 40% कम है, दैट मीन्स कि 90 जो है वो कितना है? 100%. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि इससे जो 40% कम संख्या होगी वो कितनी होगी. दैट मीन्स कि हम निकाल लेंगे 90 का 60%, या फिर 90 का 40% हम निकाल लेंगे और कर देंगे आसानी से इसको. देखिए, हम 90 का क्या करते हैं, 60% निकाल लेते हैं. 90 का 60% अगर हम निकालते हैं इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 100 कर देंगे तो 2 शून्य से ये दोनों कट गया, यानी 54. तो 90 का जो 60% हो जाएगा, यानी 40% कम है तो 60% है, दैट मीन्स कि 60% है वो 90 का. तो 90 का 60% अगर हम निकालते हैं तो हमारा 54 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी 54 इज द 60% ऑफ 90. अगर आप 90 का 60% बोलो या फिर 90 से 40% कम बोलो, दोनों ही बात जो है समान है, बस बोलने का तरीका अलग है. ठीक है, तो बस यही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल 2464 मीटर है. यदि आप बाग को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करें तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी. द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 2464 मीटर. इफ यू ट्रेवर्स द गार्डन ऑन सम डायमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल यू हैव टू कवर? 56, 48, 28 और 24 मीटर. तो देखिए, यहाँ पे एक ये पूरा हो गया, मान लो कि आपका फील्ड पूरा गोलाकार होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है 2464 मीटर. ठीक है, अब क्या करते हो आप, किसी भी डायमीटर से, ये चारों तो समान ही होगा, तो किसी भी डायमीटर से आप ऐसे आते हो. दैट मीन्स कि डायमीटर जो होता है वो आर का दोगुना होता है. ठीक है, यानी रेडियस का 2 times होता है डायमीटर, ये तो आप लोगों को पता है. दैट मीन्स कि हमें रेडियस निकालना है, रेडियस निकाल लेंगे तो उसका डायमीटर भी निकल जाएगा. तो क्या होता है, देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 2464. ठीक है, ये इतना है. तो क्या करेंगे हम, देखिए आपको तो पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 मीटर. इतना हो जाएगा ना, इजीली आप समझ लो, ध्यान से देखना, इतना हो गया हमारा. अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से सिंपली हम 2464 मीटर, ठीक है, 2464 मीटर हो गया और हमारा 22/7 हो गया, यानी 7 इधर आ गया और बाई 22. तो गाइस हमारा यहां पे आर स्क्वायर हो गया, और अच्छे से लिख लेते हैं 2464 इंटू 7 बाई 22. अब यहां से 22 से कट करेंगे तो 112 बार में हमारा चला जाएगा. ठीक है, 112 में अगर हम गुणा करते हैं 7 से तो हमारा हो जाएगा 784. कितना हो जाएगा, 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर यहां पे आर स्क्वायर को खत्म कर देते हैं और यहां पे कर देते हैं अंडर रूट ओवर 784. तो अगर आप अंडर रूट ओवर करोगे 784 को तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 28, यानी कि 28 मीटर. दैट मीन्स कि उसका जो आर हो गया, रेडियस हो गया उस त्रिभुज, सॉरी उस वृत्त का, यानी वृत्ताकार बाग का कितना हो गया, 28. दैट मीन्स कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, यानी कि डायमीटर इज 2 times ऑफ रेडियस, या फिर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हो. तो अगर r इज इक्वल टू 28, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स 2 into 28, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा 56, यानी कि 56 मीटर हो जाएगा इसका डायमीटर. ठीक है, आप किसी भी व्यास से चलकर आ रहे हो तो आपको 56 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी. राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80 बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? इफ यू सब्स्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम ए नंबर, देन 80% इज लेफ्ट, देन व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको देखिए इजीली कैसे बनाएंगे. किसी संख्या में से 15 घटा देते हैं तो वो संख्या 80% बच जाती है,
तो हमें उस संख्या का 40% क्या होगा ये बताना है। समझिए यहां पे क्वेश्चन को, 80% बच जाती है अगर 15 घटा देते हैं, दैट मींस कि 15 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। दैट मींस कि जो 80% बची है वो कितनी बची है, अगर 15 20% है दैट मींस कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 15 में 5 से गुणा कर देंगे यानी 75, 75 इज इक्वल टू 100% हमारा हो जाएगा। इतना आप समझ पाए होंगे, आप करके देख सकते हैं, 75 इज इक्वल टू 100% हो जाएगा। अब अगर हमें उस संख्या का 40% क्या होगा ये निकालना होगा, तो हम इजीली निकाल लेंगे कि उस संख्या का 40% क्या है। अगर आप 75 का 40% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, एक बार क्लियर करके दिखा। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 75 का अगर हम निकाल लेते हैं 40%, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे और 2, और यहाँ पे ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 20 से 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स में, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा। दैट मीन्स कि उस संख्या का 40% हो जाएगा 30, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। ए ट्रेन 140 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज पर आर। तो ऑप्शन आपके सामने है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो देखिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 140 बटे हमारा 12 हो जाएगा, और कट करते हैं अगर इसको तो हमारा हो जाएगा 1, और उसके बाद 1 और पॉइंट आपका हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, और इसको अगर एक सेकेंड में वो 11.6 मीटर चलती है, दैट मीन्स कि वो, तो यहाँ पे हमें बताना है एक घंटे में, यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं एक घंटे में, तो 3600 में हम गुणा कर देंगे 11.6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना, मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वो रेलगाड़ी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है तथा उनका लसा 54 हो तो उनका योगफल होगा। इफ़ टू नंबर्स हैव द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इफ 54, विल देयर सम बी 5, 15, 45 एंड 270। इसको इजीली निकालेंगे, 2x और 3x मानेंगे दोनों को, दैट मीन्स कि हम इसको 2x मान रहे हैं और 3x मान रहे हैं, और 54 है उसका LCM, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, x का मान हमारा निकल जाएगा यानी 9, x इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 में और 9 से करेंगे तो 18, और रेशियो हो जाएगा 27, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 45, यानी कि 45 इसका योग हो जाएगा। अगर आप इनका आप LCM निकालेंगे तो आपका आ जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है 54, ठीक है, इनका LCM 54 आ जाएगा, योग 45 होगा, और रेशियो आप देख सकते हैं 2:3 का हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा। तो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.22 को किस संख्या से गुणा करेगी गुणनफल 66 हो जाए, और यहाँ पे हमें 66 लाने के लिए किससे गुणा करना होगा, आपका इजीली आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अगर आप 3000 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 66, आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3a 7:14 हो तो a का मान है, देखिए यहाँ पे 7 और 14 से हमें देखना है, तो ये दोगुना है, दैट मीन्स कि 3 का दोगुना यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, देखिए -6 भी है यहाँ पे, लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6। नेक्स्ट है हमारा, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, लेकिन इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, मल्टीप्लाई 0.022 बाई द नंबर सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 66, 3000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर हमारा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु है। ए फादर इज 5 times ओल्डर देन हिज सन आफ्टर 4 years, द सम ऑफ हिज एज विल बी 44 years, विच इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो गाइस ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए वो कैसे हो जाएगा, इसका इक्वेशन हम निकालेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद ही आप इसको बना सकते हैं इस टाइप के मैथ को। तो किस तरीके से, देखिए एक हो जाएगा क्या 5x, ठीक है, प्लस 4 ये हो गया, और प्लस में हो जाएगा x प्लस 4, यानी कि 4 वर्ष बाद वो बता रहा है कितनी हो जा रही है 44 ईयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5x पिता की उम्र और x हो जाएगा पुत्र का, क्योंकि 5 गुना बड़ा है पिता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5x और x 6x प्लस 8
इज इक्वल टू 44, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो हमारा 6x इधर रह जाएगा और 44 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36, 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से तो 6 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 6, यानी कि जो पुत्र होगा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और पिता की उम्र हो जाएगी 5x है, यानी कि 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो 30 ईयर्स, यानी 30 साल के पिता हैं और 6 साल के पुत्र हैं, ठीक है। 49 नंबर है, एक पेड़ की लंबाई 2√3 है एवं उसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो पेड़ के ऊपरी सिरे की छाया के साथ बना उन्नयन कोण है। दी लेंथ ऑफ ए ट्री इज 20√3 एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेड इज 20 मीटर, सो इज द इलेवेशन एंगल मेड विद द शेड ऑफ द अपर एंड ऑफ द ट्री इज, और इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 का है 2:6 और 10 के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए 30 है, 15 है, 20 है और 1.2 है, तो 2 का 3 टाइम्स है, यानी कि 10 का भी 3 टाइम्स होगा, अगर 2 का 3 टाइम्स है 6 तो 10 का भी 3 टाइम्स होगा 30, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे आज हमारे 50 क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।